हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम साइंस में चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आगे करेंगे। तो अब हम जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो स्टार्ट करते हैं। इट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। कैसे आप यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को डिफाइन करते हैं? दिस इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। विच गिव्स डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी पीएच वैल्यू अलग होगी तो अलग कलर शो हो जाएगा। दिस इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। तो अभी इसमें वाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। तो अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कोई भी एसिड कितना स्ट्रांग है। जैसे इससे पहले हमने जो इंडिकेटर्स यूज किए थे उससे हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इससे हमें ये पता चलता है इट इज यूज्ड टू चेक हाउ स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे पीएच वैल्यू और उसका कलर ये एक बार यहां पे देख लेते हैं। जीरो से स्टार्ट होगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर पीएच वैल्यू और फिर उसका कलर। ये आएगा 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, तो वैल्यू लिख लेते हैं हम। इसमें 0 पे है डार्क रेड, 1 पे है रेड, 2 पे भी रेड, 3rd पे वो ऑरेंज होना स्टार्ट होगा तो विल राइट ऑरेंज रेड, 4th पे इट विल बी परफेक्ट ऑरेंज, देन वो टर्न होगा येलो में, वी कॉल इट ऑरेंज येलो, 6th में इट बिकम्स ग्रीनिश येलो। ग्रीन 7, 8 आएगा ग्रीनिश ब्लू, 9th में ब्लू, 10th में नेवी ब्लू, 11th पर्पल, 12th वायलेट, डार्क वायलेट। ठीक है, अब जब इसको हम चेक करते हैं इन कलर्स को, बिकॉज थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा आपको कलर को, तो धीरे धीरे करके इसको लर्न भी करना है, तो ये ध्यान रखना है इसमें कि 7 तक दिस इज मोस्ट एसिडिक से लीस्ट एसिडिक हो गया। यहाँ पे लीस्ट हो गया एसिडिक, है ना। उसके बाद ये आ गया हमारा न्यूट्रल, फिर ये
मोस्ट बेसिक हो गया, हो गया लीस्ट बेसिक, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली काफी सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है जो डिफरेंट कलर्स डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे देंगे। तो अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर आएगा, तो हम डिफरेंट पीएच को चेक कर सकते हैं उससे किस पीएच पे क्या कलर आ रहा है। जैसे इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, फाइव सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई, दीज आर टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर, शोज दे शोड पीएच वैल्यू ऑफ 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. So which is neutral, strongly alkaline, which is strongly alkaline, third strongly acidic, fourth weakly acidic, fifth weakly alkaline, ठीक है ना। तो अभी हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जैसे एक तो ये हो गया पार्ट हमारा, उसके बाद अरेंज देम, ये भी एक अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, वो तो कर ही सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहां से आप देख सकते हैं इसमें ए जो है उसकी पीएच कितनी है 1, बी जो है सॉरी ए की पीएच है 4, बी की पीएच है 1, सी की पीएच है 11, डी की पीएच है 7 और ई की पीएच है 9, ये इस तरह से है। अब विच इज न्यूट्रल वन, न्यूट्रल कौन सा है इसमें। न्यूट्रल के लिए से पहला जेड न्यूट्रल कौन सा है, 7 वाला न्यूट्रल है, पीएच इज इक्वल टू 7, दैट इज डी, डी न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब होता है जिसकी पीएच ज्यादा हो, अल्कलाइन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, पीएच सबसे ज्यादा किसकी है सी, पीएच इज इक्वल टू 11, दैट इज सी, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, एसिडिक होगा जिसकी पीएच सबसे कम होगी 1, दैट इज बी, वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक का मतलब है विच इज क्लोज टू 7, 7 के पास जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज वीकली एसिडिक, मतलब आप पीएच 4 को बोल सकते हैं वीकली एसिडिक, यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू 4 मतलब ए इज वीकली एसिडिक, फिफ्थ वीकली अल्कलाइन जो जस्ट 7 से ज्यादा होगा 9, पीएच इज इक्वल टू 9 मतलब ई, दैट इज ई, ठीक है। अब अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, पीएच इज इक्वल टू 1, पीएच इज इक्वल टू 4, पीएच इज इक्वल टू 7, पीएच इज इक्वल टू 9, पीएच इज इक्वल टू 11, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया बी, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ए, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया डी,
9 के कोरस्पॉन्डिंग हो गया E, 11 के कोरस्पॉन्डिंग हो गया C. दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर. रिमेंबर ऑलवेज की जो पीएच होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन. हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच कम होगी, और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो पीएच ज्यादा. ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे इसके अंदर. ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर. बीकर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एज पीएच इक्वल्स टू 1, what color will full range indicator will show. यूनिवर्सल इंडिकेटर में यूज करूंगा तो पीएच दे रखी है आपको, तो ये किसमें टर्न होगा इफ इट इज एडेड टू बीकर. ठीक है ना, क्लियर है वैसे तो यहां से देख के. रेड में आना है, वन है तो इट विल शो रेड. तो सॉल्यूशन है एस एसिड इज स्ट्रॉन्ग हैविंग पीएच इक्वल्स टू 1, देयरफॉर इट चेंजेस टू रेड. रेड कलर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा. जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, टू सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई आर टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर. Then solution X changes to orange, ठीक है, and solution Y changes to red. So which is stronger acid? ठीक है ना, तो अब ये देखना है कौन स्ट्रॉन्गर है. तो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक बार पीछे देख सकते हैं, रेड वाला और ऑरेंज वाले का क्या है. जो ऑरेंज में चेंज हो रहा है तो वो पीएच क्या है 4, रेड वाला क्या है पीएच 1 या 2. देयरफॉर एक्स जो है उसकी पीएच ऑरेंज है वो, मतलब ऑरेंज में चेंज हो रहा है तो पीएच 4, वाई पीएच इक्वल टू 1 और 2. Course, which one is stronger? Clear ही है that Y is stronger acid. Y stronger है then X. ठीक है ना, ये clear हो जाती है बात. ठीक है, ये universal indicator का था थोड़ा सा. अब हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर. अभी हमें अंडरस्टैंड करनी है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच. इन एवरीडे लाइफ तो
बेसिकली डे टू डे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पीएच। हमारा स्टमक जो है वो एससीएल जनरेट करता है, तो वो एससीएल जो है दैट इज यूज इन आर स्टमक, उसको डाइजेस्ट करने के लिए फूड को जरूरत पड़ती है एसिड की। तो अगर बाई चांस उसमें एसिड का पीएच ज्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है, तो उसको रिलीव करने के लिए फिर हम एंटा एसिड लेते हैं। वो एंटा एसिड भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में हम लोग लेते हैं। इसके अलावा भी अगर जो एसिड जो एसिडिटी है जो माउथ में जो हमारा पीएच जो है वो कम हो जाता है अगर, तो टूथ पीके स्टार्ट हो जाता है उससे, उसके लिए भी हम जो ब्रश करते हैं उसमें जो हम यूज करते हैं कोलगेट या जो आई एम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएच इन ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया ही था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ओवर स्टमक प्रोड्यूसेस एचसीएल। एचसीएल जो है इट्स पीएच, एचसीएल ऑफ पीएच अबाउट 1.4। pH 1.4 का HCl produce करता है, which is very strong. This HCl helps in digesting our food. Without harming our stomach. ठीक है, stomach harm नहीं होता इससे, food digest हो जाता है। In case if excess acid is produced, then it can cause indigestion. So for that we use antacid. Therefore we use antacids. So, antacids are basic in nature. So, they neutralize the excess HCl. They are basic in nature. Used to cure indigestion. ठीक है? तो कौन से दो important antacids हैं? एक है magnesium hydroxide और एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिंक कलर का होता है ना, ये काफी बच्चों ने इसको देखा भी होगा, बॉटल में पिया भी होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो सोडा ही है, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर हो गया। अब हम फूड डीके से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो ये हो गया पीएच इन ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक है पीएच चेंज एज कॉज ऑफ फूड डीके। इसके लिए यहां से लिखते हैं, देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, दे ब्रेक डाउन शुगर प्रेजेंट इन द फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू एसिड्स। सो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ दे ब्रेक डाउन शुगर इनटू एसिड्स, शुगर फ्रॉम फूड।
टू फॉर्म एसिड्स। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं, एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड जैसे, ठीक है। दिस एसिड लोअर्स द पीएच वैल्यू इन आवर माउथ। Making it acidic. क्योंकि अब ये acidic हो गया तो इसलिए tooth decay starts. उसके लिए भी एक range है, tooth decay occurs when pH has value below 5.5 से कम है तो tooth decay start होता है, तो ये question भी आ जाता है, तो इसलिए careful रहना है। When does tooth decay starts? When pH falls below 5.5. So, your tooth enamel is that is made up of calcium phosphate, but it starts corroding below 5.5. It is made up of calcium phosphate. But it starts corroding when pH falls less than 5.5. So the best way to prevent tooth decay is clean the mouth thoroughly after eating food. And we use toothpaste to increase our pH. So बढ़ाते हैं, जो हम toothpaste use करते हैं उसकी pH generally 8 के आसपास रहती है। Is about it, ठीक है। तो ये pH change हो गया, that is the cause of tooth decay. तो next पे हम आते हैं point पे, जिसके अंदर plants and animals जो है वो भी they are also sensitive to pH change. Plants and animals. Are sensitive to pH change. अगर pH change होगा तो उनको भी effect होता है। जैसे first part हम एक देख लेते हैं, soil pH and plant growth. बहुत कुछ depend करता है कि आप क्या grow करना चाहते हैं, तो उसमें soil किस type की होनी चाहिए, सॉइल की पीएच पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे ग्रो व्हेन पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7, तो न्यूट्रल होती है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे ग्रो फॉर पीएच ऑफ सॉइल क्लोज टू 7। इफ इन केस सॉइल इज एसिडिक, टू एसिडिक, लो पीएच है उसकी, उसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन इट इज ट्रीटेड विद, उसको किस किस से ट्रीट करना पड़ेगा, इट इज ट्रीटेड विद क्विक लाइम और स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अदरवाइज चॉक, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 इज चॉक। इफ सॉइल इज टू बेसिक, तो ये इससे ट्रीट करने के बाद उसको यूज कर लेते हैं। टू बेसिक मींस हाई पीएच, then it is treated by adding manures or compost, decaying organic matter. Manure or compost, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये।
हाउ टू ट्रीट, ये प्लीज बी केयरफुल आप क्या उस पर लिखते हैं। तो एसिडिक सॉइल अगर दे रखी है, ट्रीटमेंट क्या है उसका, आपको उसमें सीओ डालना है या फिर सीओएच होल ट्वाइस डालना है या CaCO3 डालना है। अगर बेसिक है सॉइल तो आपको उसमें मैन्योर करना है या कंपोस्ट डालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आगे इसमें हम लोग, ये तो हमने प्लांट्स को देख के लिखा है, तो अभी हम देखते हैं पीएच चेंज इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। जो ह्यूमन बॉडी है जो उसको भी पीएच चेंज आपको पता है कितना सूट करता है, तो 7 से 7.8 के बीच में ही पीएच चेंज रख सकती है। उससे ज्यादा होगा तो एसिडिक होगी, अगर पीएच उससे कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। तो पीएच चेंज इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी ध्यान रखना है क्या रहता है। सो फॉर ह्यूमन बॉडी पीएच रेंज इज 7 to 7.8। और वर्किंग वेल ठीक से काम करने के लिए ये रहता है। इफ पीएच चेंज ऑफकोर्स गेट्स डिस्टर्ब, इफ इट गेट्स डिस्टर्ब देन इट कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश, दे कैन सर्वाइव इन रिवर वाटर विद अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। कम रेंज हो बहुत पीएच चेंज की तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा तो फिर उनको भी सर्वाइवल उनका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जैसे जो रेन वाटर है उसकी पीएच जो होती है दैट इज 5.6। जो रेन वाटर है अगर 5.6 हो जाएगा तो वो एसिड रेन बन जाएगी, अदरवाइज जो पीएच है उसका वो 7 के आसपास रहता है, ठीक है। तो भी लिख लेते हैं हम इसको, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश कैन सर्वाइव इन रिवर वाटर नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ठीक है, सो फॉर एसिड रेन पीएच जो है दैट फॉल्स लेस देन 5.6। तो एसिड रेन अगर रिवर में आएगी तो उससे पीएच वहां का भी चेंज होगा, तो इट कैन हार्म एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, आगे देखते हैं उसमें, सारा थ्योरी का पार्ट है। यह सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको पता है ये कुछ एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए स्टिंक करते हैं, तो उसमें भी एसिड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हनी भी है, इफ इट स्टिंग्स अ पर्सन दैट देन इट इंजेक्ट्स एसिड इनटू द स्किन। तो उस एसिड को कंट्रोल करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए हम जो सॉल्यूशन है उससे उसको रब करते हैं, बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन से, क्योंकि वो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन जो है वो बेस होता है, उससे इसको रब करते हैं। ठीक है, सो लिख लेते हैं इसको, जो हनी बी है, जो उसका हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन एंड इंजेक्ट्स एसिड इनटू द स्किन, देयरफॉर
रबिंग इट विद बेकिंग सोडा ले सकते हैं, कोई भी अल्कलाइन मतलब सोप सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, रबिंग इट विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन गिव्स रिलीफ। आपको पता होगा कि कभी अगर हनी भी स्टिंग करती है तो उसको आप किसी मेटल से भी रब करते हैं, क्योंकि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए वो नलिफाई कर देता है इसका इफेक्ट। उससे भी यूज कर सकते हैं, मेटल भी यूज कर सकते हैं। व्हेन अ वास्प स्टिंग्स देन इट इंजेक्ट्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट करता है इनटू स्किन। हनी भी करती है एसिड और दिस पास कीड़ा होता है कि ये इंजेक्ट करता है अल्कलाइन इनटू स्किन, तो रबिंग विद माइल्ड एसिड। ठीक है, सी पार्ट एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड। बस एसिड थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं आपको, कौन सा क्या करता है। लिटिल लीफ, लिटिल लीफ जो है दैट ऑल्सो इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड। बस ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। दिस इज द इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर, टू डीके एंड ऑल। ठीक है, ये मेन था थोड़ा सा। अब आगे हम देख लेते हैं, फार्मर हैज फाउंड दैट pH of soil in his field is 4.2. Name any two. Chemical substances, material which he can use, which he can mix. कौन से, कोई भी दो आप बता सकते हैं जो जो मिक्स करेगा। हमने भी पीछे पढ़े थे कि कौन कौन से दो मटेरियल्स को मिक्स कर सकता है, कौन कौन से, एक तो CaO क्विक लाइम और स्लेक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट स्लेक लाइम, ठीक है ना, दोनों कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं, देखते हैं। पीएच ऑफ Soil A is 7.5, while that of soil B of 4.5. Which of two, A and B, should be treated with chalk powder? ठीक है, इनमें से किसको हम चॉक पाउडर के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो जिसकी पीएच कम है, सॉइल विद पीएच इज लेस, कैन बी ट्रीटेड विद चॉक पाउडर, ठीक है ना। देयरफॉर इसको यूज करेंगे हम बी को, बी शुड बी ट्रीटेड। ठीक है बेटा, चेक करिए, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ है। तो अभी हमें, हमने एसिड और बेसिस खत्म कर लिया इस चैप्टर में, अब हम आगे नेक्स्ट सॉल्ट से स्टार्ट करेंगे। तो
अभी आप लोग देख लीजिए कोई पीछे जो भी चीजें देखनी थी, ठीक है। बस इसके आगे अभी मैं नेक्स्ट क्लास नहीं कराऊंगा, बिकॉज वो सॉल्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही खत्म कर रहा हूँ मैं इस टॉपिक। थैंक यू।